टाइगर और लायन ये दोनों एनिमल किंगडम के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी है। ऐसे में ये सवाल हर किसी के मन में उठना आम बात है कि आखिरकार टाइगर और लायन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और तब क्या होगा जब एनिमल किंगडम के ये दो खूंखार बेस्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि लायन और टाइगर में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, बल्कि मैं आपको लायन और टाइगर के इतिहास में हुई 10 लड़ाइयों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में लायन और टाइगर के बीच होने वाली 10 असली लड़ाइयों के बारे में। जब आ गए थे ये दो दानव आमने सामने, और जानते हैं कि उन लड़ाइयों का नतीजा क्या हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। नंबर 10, जिस घटना का जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ वो घटना घटी थी 1934 में, जब कुछ टाइगर्स और लायंस को ट्रेन से कहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक लायन आपे से बाहर चला जाता है और वो एक टाइगर पर हमला कर देता है। ये हमला इतनी तेजी से हुआ था कि ट्रेनर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और लायन ने टाइगर की जान ले ली। नंबर 9, ये घटना हाल ही की है यानी 2010 की। इस साल एक जू का टाइगर किसी तरह से अपने बाड़े में से निकलकर एक शेर के बाड़े में घुस जाता है और फिर अचानक से वो उस शेर पर हमला कर देता है। उसके बाद काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो टाइगर उस लायन की गर्दन की नस को काट कर उसका खात्मा कर देता है। नंबर 8, अब मैं जिस लेजेंडरी फाइट के बारे में बात करने वाला हूँ उसे हमारे देश में ही आयोजित की गई थी। दरअसल ये बात थी 19वीं सदी के अंत की, जब महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के मन में ये सवाल आया कि एक टाइगर और लायन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और इसी वजह से उन्होंने एक बारबरी लायन एटलस और एक बंगाल टाइगर के बीच लड़ाई करवाने का फैसला किया। लड़ाई देखने के लिए बहुत लोग आए और सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिरकार लायन और टाइगर में से जीतेगा कौन। फिर कुछ देर बाद लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बारबरी लायन थकता जाता है, जिसके बाद बंगाल टाइगर एटलस लायन को मार कर वो लड़ाई जीत लेता है। नंबर 7, अब मैं जिस खतरनाक टाइगर के बारे में बताने वाला हूँ वो कोई मामूली टाइगर नहीं था। वो टाइगर इतना फेमस था कि उसके चर्चे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी होते थे। हार्पर्स वीकली नाम के एक न्यूज़पेपर में उस टाइगर की एक शानदार लड़ाई के बारे में बताया गया था। उस टाइगर का नाम था गूंगा, और जिस लायन के साथ उसने लड़ाई की थी वो कोई मामूली लायन नहीं था, बल्कि वो एक जवान और ताकतवर लायन था, और वो इसके पहले कई टाइगर्स को हरा चुका था, जिसके चलते सभी को उस लायन से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जैसे ही लड़ाई का असली वक्त आया और जैसे ही गूंगा ने मैदान में एंट्री की, वैसे ही खेल पूरा पलट गया और वो ताकतवर शेर गूंगा के सामने 10 मिनट भी टिक नहीं पाया, जिसके बाद गूंगा ने उस लायन पर बिल्कुल भी रहम नहीं की और उसे मौत के घाट उतार दिया। वैसे गूंगा को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली थी जब वो एक 6 साल के शेर से लड़ने वाला था, लेकिन लड़ाई से पहले ही उसने अपने ट्रेनर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ट्रेनर ने खुद को बचाने के लिए गूंगा की एक आंख फोड़ दी थी। इसके बावजूद भी गूंगा उस 6 साल के शेर से लड़ने के लिए तैयार था। एक आंख ना होने के बावजूद भी गूंगा ने ना केवल लड़ाई जीत ली बल्कि उस लायन को जान से भी मार डाला। हालांकि उस लड़ाई में गूंगा भी काफी जख्मी हो गया था, लेकिन वो जल्द ही अपने जख्मों से रिकवर हो गया और एक आंख ना होने के बावजूद भी वो पहले के जैसे ही शेरों को लड़ाइयों में हराता रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गूंगा ने अपने पूरे जीवन काल में 30 से भी ज्यादा शेरों को जान से मार डाला था। नंबर 6, ये घटना साल 1855 की है, जब भारत के जंगलों का एक टाइगर मैन ईटर बन गया था। एक दिन वो मैन ईटर टाइगर एक इंसान को अपने साथ जंगल में ले गया, जिसके बाद उस आदमी के गांव के सभी लोग लाठी लेके जंगल में घुस गए, और जब उन्होंने वहां का जो नजारा देखा उसे देखकर सबके सब चौंक गए। दरअसल उन्होंने वहां पर उस टाइगर के सामने एक बहुत बड़े लायन को देखा, और देखते ही देखते उस शेर ने मैन ईटर टाइगर पर हमला करके उसे जान से मार डाला। अब वो बड़ा
शेर कौन था और वो उस जंगल में कहां से आया था, ये आज तक कोई भी जान नहीं पाया। नंबर 5, साल 1830 में रोम के एक सर्कस में बहुत सारे लायंस और टाइगर्स को प्रदर्शनी के लिए लाया गया था। काफी समय तक सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन कुछ देर बाद इवेंट के बीच में ही पता नहीं एक टाइगर को क्या हो गया कि वो अचानक से एक लायन के तरफ दौड़ पड़ा और देखते ही देखते उसने उस लायन पर हमला कर दिया। लेकिन शेर ने समझदारी दिखाते हुए उस हमले को अपने पीठ पे ले लिया और फिर उसने जोरदार पलटवार करते हुए सीधे टाइगर की गर्दन को ही दबोच लिया, जिसके चलते टाइगर की जान चली गई। नंबर 4, ये बात है 1873 की, जब एक एग्जीबिशन के दौरान एक शेर और एक बाघ बेकाबू हो गए थे और आपस में लड़ते लड़ते बाघ ने शेर के जबड़े पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते शेर का बहुत ज्यादा खून बह गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। नंबर 3, क्लैड एक बहुत ही फेमस एनिमल ट्रेनर और जू ओनर थे और वे बताते हैं कि उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी में 50 टाइगर्स को लायंस के हाथों मरते देखा है और ये घटना भी उन्हीं में से एक है। साल 1934 में जब एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक फीमेल टाइगरेस जिसका नाम था आशा, वो आपे से बाहर चली जाती है और एक नेहरू नाम के मेल लायन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लैड ऐसा नहीं होने देना चाहते थे और इसीलिए वो इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन आशा को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो क्लैड पर ही हमला कर देती है, लेकिन तभी नेहरू क्लैड को बचाने के लिए आगे आ जाता है और आशा पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच का युद्ध पूरे 25 मिनट तक चलते रहता है, लेकिन आखिर में जीत नेहरू की ही होती है। नंबर 2, साल 1909 में कॉनी आइसलैंड में एक एनिमल शो चल रहा था, लेकिन उसी दौरान पता नहीं एक लायन को क्या सूझा कि उसने चैन से बंधे एक टाइगर पर हमला कर दिया। वैसे तो टाइगर बहुत मोटी मोटी चैन से बंधा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो चैन से बंधे होने के बावजूद भी उस लायन का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद सभी लोग उस टाइगर की हिम्मत और ताकत को दाद देने लगे थे। नंबर 1, ये घटना घटी थी 1914 में। दरअसल उस वक्त न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में एक 8 साल का बंगाल टाइगर रहता था जिसका नाम था राजा। तो वही उसके बगल वाले बाड़े में एक 2-3 साल का लायन भी रहता था जो कि पिछले कुछ दिनों से बीमार था, और एक दिन जू के लोगों को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने राजा और उस शेर के बीच के बाड़े को ही हटा दिया, जिसके बाद राजा और वो शेर दोनों ही एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो गए। उस दौरान शेर ने राजा की गर्दन दबोचना चाहा, लेकिन जवाबी हमले में राजा ही उस शेर की गर्दन को पीछे से दबोच लेता है और फिर कुछ ही देर में उस लायन की रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ डालता है, जिसके चलते उस लायन की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टाइगर और लायन के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाइयां। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपको क्या लगता है, लायन स्ट्रांग है या टाइगर, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।